नमस्ते बच्चों, अगले पिछले पीरियड में हमने देखा था कि वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को हमने सीखा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की पहचान हमने करवाई तथा उसके साथ साथ प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की भी पहचान हमने करवाई थी। और आज हम देखने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर करना। तो बच्चों, यहाँ पर वाक्य रूपांतर करने से पहले, वाक्य रूपांतर करना यानी कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना, उसे ही कहते हैं वाक्य रूपांतर। यहाँ पर हमें जब एक वाक्य दिया जाता है तो उसे हमें किस तरह से सरल संयुक्त वाक्य बनाना है, किस तरह से मिश्रित वाक्य बनाना है, यह आज हम पहले देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस तरह से तीन भाग किए हुए हैं। यहाँ पर सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य। अब हम उदाहरण के तौर पर ही सीख लेते हैं कि किस तरह से एक सरल वाक्य का संयुक्त और मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण है, वह बालक रो रो कर चुप हो गया। यह एक सरल वाक्य है। उसी सरल वाक्य को संयुक्त हमने बना दिया, वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस समुच्चय बोधक अव्यय से उसे जोड़ दिया। और इसी सरल वाक्य को हमने मिश्रित वाक्य में कैसे बदल दिया, देखो, जो बालक रो रहा था वह चुप हो गया। तो जो से, जैसे हमने मिश्र वाक्य में देखा था कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य होते हैं, तो जो आश्रित उपवाक्य होता है वो जो, जिसने, जिससे, कि आदि से जुड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने जैसे कहा था कि आश्रित उपवाक्य कभी कभी पहले भी आ जाता है वाक्य की शुरुआत में या तो बाद में भी, तो यहाँ पर शुरू में ही आ गया है। जो बालक रो रहा था, कॉमा देकर वह चुप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर पहले आश्रित उपवाक्य है और फिर मुख्य वाक्य, तो यहाँ पर यह मिश्रित वाक्य हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलना है, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, फिर से यहाँ पर हमने और इस समुच्चय बोधक अव्यय से यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हुए संयुक्त वाक्य के, हमने जैसे सीखा था उसी तरह से। अब उसका मिश्र वाक्य कैसे हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे, यानी कि मिश्र वाक्य में जैसे वैसे, जो त्यो, इस तरह से भी वाक्य, जब तब से भी वाक्य शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे और वैसे से शुरू हुआ और परिवर्तन हुआ उसका, इस सरल वाक्य का, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। अब हम तीसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। यह सरल वाक्य है। इसी सरल वाक्य का संयुक्त में रूपांतर करने के लिए हमने किया, उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया। अब इसलिए से हमने इसे जोड़ दिया है, इस समुच्चय बोधक अव्यय से हमने जोड़ दिया। फल खरीदना था और बाजार जाने की दो अलग अलग क्रिया हैं, लेकिन यहाँ पर इससे जोड़ दिया। अब संयुक्त मिश्रित वाक्य बनाते समय हमने क्या किया है, चूंकि उससे फल खरीदने थे इसीलिए बाजार गया। अब यहाँ पर चूंकि जो है, इसने उसकी क्या की है कि शुरुआत की है, यानी आश्रित उपवाक्य की शुरुआत की है, तो बाजार गया, खरीद, चूंकि उससे फल खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया। तो इस तरह से यहाँ पर यह मिश्रित वाक्य हुआ, इस सरल वाक्य का संयुक्त और मिश्रित वाक्य यहाँ पर हुआ है। तो देखो बच्चों, सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमें इस तरह से काम करना है और इसे ही कहते हैं वाक्य का रूपांतर करना। तो चलो बच्चों, अब हम अगला उदाहरण भी देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि
संयुक्त वाक्य से सरल वाक्यों को कैसे बनाना है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य का रूपांतर करना, जैसे कि यहाँ पर एक सरल संयुक्त वाक्य है, घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो, यह है संयुक्त वाक्य। अब उसका सरल वाक्य इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो पहली मुख्य क्रिया है उसे हमें पूर्वकालीन में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे? घर जाकर गृह कार्य पूरा करो, ये हुआ उसका सरल वाक्य। इस जाओ को जाकर इस तरह से पूर्वकालीन में हमने उस मुख्य क्रिया को बदल दिया। दूसरा एक वाक्य है, तुमने कहा और सब मान गए। यहाँ पर हमारा जो सरल वाक्य होगा, तुमने के बदले तुम्हारे, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। तो इस तरह से तुमने कहा, यह एक अलग वाक्य था, उसका हुआ तुम्हारे कहने पर सब मान गए, यह पूर्वकालीन क्रिया में हमने बदल दिया। अब तीसरा उदाहरण यहाँ पर है, हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं हैं। यहाँ पर किंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय से यहाँ पर जोड़ दिया है, यह संयुक्त वाक्य उसे सरल वाक्य में करना है। तो देखो आसान है, यहाँ पर और जो है, जो भी समुच्चय बोधक अव्यय है उसे हमने हटा दिया और मुख्य क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया में बदल कर हमने सरल वाक्य कैसे बनाया। हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं हैं। अब यहाँ पर धनवान हैं, यहाँ पर पूर्वकालीन क्रिया है कि करनी है, हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं। तो देखो किस तरह से धनवान हैं के बदले होकर भी, यानी हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं, इस तरह से यहाँ पर संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में हमारे परिवर्तन किया हुआ है। हमें सिर्फ समुच्चय बोधक जो है, समुच्चय बोधक अव्यय से जो जुड़ा हुआ है, उस समुच्चय बोधक अव्यय को हटाकर पूर्वकालीन क्रिया में बदलना है। अब यहाँ पर मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में प्रयोग कैसे करना है उसे हम देखते हैं। देखो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य हैं जैसे कि मैं वही खड़ा था जहाँ से बस चलती है। तो यहाँ पर मैं वही खड़ा था जहाँ से, ये जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं जहाँ से जुड़ा था, तो उसे हम लिखते समय किस तरह से करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर इसका सेंटेंस इस तरह से होगा सरल वाक्य का, मैं बस चलने के स्थान पर खड़ा था। इस तरह से इसका क्या हुआ सरल वाक्य, इस मिश्रित वाक्य का, मैं वही खड़ा था जहां से बस चलती है। देखो मैं बस चलने के स्थान पर खड़ा था, इस तरह से उसका सरल वाक्य हुआ। अब दूसरा देखते हैं, जैसे से शुरू हुआ है, जैसे ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया। अब इसका सरल वाक्य किस तरह से होगा, मुझे देखते ही वह खिसक गया। देखा, मुझे देखा, देखा का देखते ही वह खिसक गया। इस तरह से यहाँ पर मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में हमने परिवर्तन किया है। यहाँ पर भी जो आश्रित उपवाक्य जहाँ से शुरू होता है, जैसे से शुरू होता है, तो हमने किस तरह से
क्रिया को, मुख्य क्रिया यहाँ पर एक ही बना दी है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया मुख्य होती है, यहाँ पर खिसकने की मुख्य क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेंटेंस बिल्कुल बदला नहीं है। जहाँ पर खड़ा था ये भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो ये प्रधान उपवाक्य है जो वैसे के वैसे ही रहा है, जो मुख्य क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया है। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन कैसे करना है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य कैसे करना है, उसका रूपांतर किस तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, रात हुई और चांद खिला। यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, उसे अब हमें मिश्रित वाक्य करना है। रात हुई और चांद खिला, जैसे ही रात हुई वैसे ही चांद खिला। तो जैसे वैसे से यहां पर हमने मिश्रित वाक्य को बना दिया है, जैसे ही रात हुई वैसे ही चांद खिला। दूसरा है, शेर दिखाई दिया और सब डर गए। यहां पर जो कि शेर दिखाई दिया, सब डर गए। जो कि शेर दिखाई दिया सब डर गए। इस तरह से यहां पर हमने मुख्य जो क्रिया, जो आश्रित क्रिया है शेर दिखाई देने का, डरने की बात जो है वो है प्रधान उपवाक्य। तो इस तरह से यहाँ पर जो कि शेर दिखाई दिया सब डर गए, इस तरह से उसका मिश्रित वाक्य हुआ। अब तीसरा है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो कि बहुत दुबला पतला था। अब यहाँ पर इस की ने उसे जोड़ दिया है संयुक्त वाक्य का। अब यहाँ पर हम मिश्रित वाक्य करते हैं, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा। यहां पर मिश्रित करते समय ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत दुबला पतला था। तो यहां पर हमने देखा था कि ऐसे जो, इसे जो शुरुआत होती है तो वो मिश्रित वाक्य में हमने किया कि बहुत दुबला पतला था। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत दुबला पतला था। तो इस तरह से यहाँ पर मुख्य क्रिया और आश्रित क्रिया यहाँ पर दिखाई दी है। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में हम रूपांतर करते हैं, जब तब जैसे वैसे जो तो, इस तरह से हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य दिया गया है और उसका संयुक्त वाक्य करने के लिए कहा है, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब शीला बाजार गई तो पुस्तक खरीद लाई। यह एक मिश्रित वाक्य है, उसे हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो जाहिर है कि जो जब तब जो भी दिया गया है उस समुचय बोधक को हटाना है। शीला बाजार गई, संयुक्त वाक्य शीला बाजार गई और पुस्तक खरीद लाई। इस तरह से यहाँ पर उसका संयुक्त वाक्य हुआ और से जुड़ गया, दो अलग अलग वाक्य हो गए स्वतंत्र। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चूंकि मैं अकेला था चार गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनाना है, तब मैं अकेला था इसलिए चार गुंडों ने मुझे
संयुक्त वाक्य हुआ इसलिए से जुड़ा गया, चूंकि जो है मिश्रित वाक्य का समुच्चय अव्यय उसे हमने निकाल दिया, हटा दिया और इस तरह से वाक्यों को हमने इसलिए से जोड़कर लिख दिया। अब हमारा आखिरी एक है, जो ही सभा समाप्त हुई त्यों ही सब लोग चले गए। यहाँ पर जो ही सभा समाप्त हुई त्यों ही सब लोग चले गए, इसका संयुक्त वाक्य में हमें करना है, यानी जो त्यों को हटाना है और वाक्यों को लिखना है। सभा समाप्त हुई, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, सब लोग चले गए। इस तरह से यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य रूपांतर करना हुआ। बच्चों, आज हमने वाक्य रूपांतर करने में देखा है कि किस तरह से सरल वाक्य दिया जाता है उसका संयुक्त और मिश्रित वाक्य करना है, तथा सरल वाक्य मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य को कैसे परिवर्तित करना है, और संयुक्त से मिश्रित कैसे करना है, और मिश्रित से संयुक्त वाक्य कैसे करना है, ये हमने रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर में सीखा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर करना, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।